प्रधानमंत्री भरोसे के लायक नहीं है। इकॉनमी में एक नीति अगर राजनीति हो सकती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दी जा सकती है। किसान साथियों को पत्रचार किया गया। शिव कुमार कक्का जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ 9 मेंबरी कमेटी जो आंदोलन को संचालित करती है मध्य प्रदेश से हूँ, जिला होशंगाबाद। जो कानून वापस हुआ है सर, इससे पहले मोदी जी ने कानून लेने के लिए कहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी घोषणा मात्र हुई है, यह भी मालूम पड़ा है कि 24 तारीख की पहली कैबिनेट में उसको रिपील के लिए कार्रवाई करेंगे, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। आंदोलन जब कोई होता है, 12 महीने का आंदोलन है, एकदम से तंबू उखाड़ा नहीं जा सकता। उसके जो भी परिणाम होते हैं, अन्य मांग है MSP गारंटी का कानून, हमारी सेकंड मांग है, और भी आंदोलन के दौरान जो दिक्कतें आई हैं, मुकदमे लगे हैं, इन तमाम चीज़ों पर टेबल टॉक होगी। क्या प्रधानमंत्री की बातों का भरोसा करते हैं कि ये करेंगे पास, ये लागू करेंगे, हटाएंगे इसको? प्रधानमंत्री भरोसे के लायक नहीं है, और ये दिखाने की ताकत भी कम लोगों में है, हम में बोलने की ताकत है। C250 उन्होंने कहा था देंगे, नहीं दिया। कर्ज माफी कहा था, नहीं किया। 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आए। तो ऐसी ढेर सारी घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अब देश में संकट विश्वास का है। विश्वास किस पे किया जाए और क्यों किया जाए? अगर संसद में ये बिल वापस हो जाता है, संसद से ये बिल अगर वापस हो जाता है तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे, चले जाएंगे? आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि आंदोलन का विधिवत पूरी मांगे नहीं हो जाती। अच्छा। हनन मोल्ला जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा और 9 मेंबर कमेटी का SKM का उसका सदस्य है। सर, यहाँ पे जो मोदी जी ने किसी कानून वापस किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कानून वापस लिया, मजबूर हुआ। हम एक साल से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग करके वापस लो। 11 महीने मीटिंग नहीं बुलाया, बोले एक टेलीफोन दूर है, मगर उसको टेलीफोन बजा नहीं, अचानक सुबह ऐलान कर दिया। वही कर, ये तो ठीक नहीं है। वो अपना बहादुरी कर देते, उसको कैबिनेट का मालूम नहीं है, वो तो उसको तरीका है इंडिविजुअल। तो उचित था हमारा मीटिंग बुला के वहाँ ऐलान करता, और बाकी जो छोटे मोटे समस्या है वो सुलझा ले, तो एक साथ हो जाता। मगर हमारा मुख्य जो समस्या MSP का बिना किसान मर रहा है, रोज 52 किसान खुदकुशी कर रहा है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान 1100 रुपये क्विंटल धान बेच रहा है। इस परिस्थिति में किसान बच नहीं सकता जब तक MSP नहीं होगा। आज बचेगा तब तो काल का फायदा लेगा। ये 3 कानून में किसान का कोई नुकसान आज नहीं है, भविष्य में होगा। मगर आज का जो मतलब है, ये MSP के लिए, MSP नहीं होगा तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। सर, मोदी जी ने कहा था कि हमने 11 बार किसान को बुलाया और उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो समझाने में समझ रहा। उस बारे में आप क्या बोला? वो मीटिंग में आता था, बोलता था हमारे यहाँ अनुमाचा है, मान ये कोई है, तुम अपना कानून अदानी अंबानी को मुनाफा करवाने के कानून हम पर थोपेंगे, हम मानेंगे? हम बोले ये कानून इसलिए नहीं मानता है कि किसान का विरोधी है और अदानी अंबानी को मुनाफा दिलाने के इंतजाम करने का व्यवस्था। क्या मोदी जी ने भी कहा है कि पास नहीं वापस करेंगे, तो इसमें भरोसा है कि आपको वापस करेंगे? सर, देखता है, वेट कर रहा है। भरोसा करने प्रधानमंत्री की बात का? प्रधानमंत्री है, हम कैसे अपमान करें? उसको बात देता है, तो 15 लाख रुपया का बात पेंडिंग है, 2 करोड़ का पेंडिंग है, सब तो पेंडिंग है ना। ठीक है, फिर भी प्रधानमंत्री है, इज्जतदार आदमी है, उम्मीद करते हैं पूरा करें। सभी सवाल और आपसे, क्या इस वैसे सरकार की छवि कमजोर है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम इस तरह के फैसले आए वापस नहीं सकते, क्या इससे सरकार की छवि कमजोर होगी? सरकार गलत करेगा तो ऐसा परिस्थिति पैदा होगा ना, जैसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, गलत था, उसका हम आंदोलन किया, पीछे हटा, इस बार फिर अपना मर्जी से कानून लाया, पीछे हटा, तो सरकार को सोच के चर्चा करके जनवादी तरीका से करना अपना नहीं होता, वो अपना गलती, अपना जो एक नया मनोभाव है, वो जो एकदम तानाशाही मनोभाव है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है।